जी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। अपने इंजीनियरिंग में मस्त था, फिल्मों का कोई शौक नहीं था। अचानक दूरदर्शन पे एक फिल्म देखी, आनंद, और ये सोच में पड़ गया कि ये कौन सी विधा है जिससे एक इंसान पर्दे के माध्यम से आपके ऊपर इतना प्रभाव डाल सकता है। और तय कर लिया कि अब इंजीनियरिंग नहीं करूँगा और एक्टिंग करूँगा। बस वही सोच मुझे बॉम्बे खींच लाई। कुछ थिएटर और फिर कुछ मराठी फिल्म में एज अ लीड एक्टर करने के बाद फिर से मैं उसी मुकाम पर पहुंच गया था कि जो जिस तरह के किरदार मैं करना चाहता था या जो सोच के मैं बॉम्बे आया था वो फिल्में मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सोचा कि क्यों ना कलम उठाई जाए और वो किरदार करने की कोशिश की जाए जिस किरदार को निभाने के लिए या जो फिल्में लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ा था, और कलम उठा के एक फिल्म लिखी अन्ना। उस व्यक्तित्व के ऊपर जिसको लोग अन्ना हजारे के नाम से जानते हैं, लोग अन्ना जी को 74 साल के अन्ना हजारे के व्यक्तित्व से ही जानते थे। एज अ राइटर मेरे लिए था कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे ये जानने के लिए कि कैसे एक छोटे से गांव से एक 7वीं पास, बहुत कम पढ़ा लिखा, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से किशन बाबूराव हजारे ये अन्ना हजारे बन गए। और 1.5 साल स्क्रिप्टिंग पे मेहनत करने के बाद अन्ना जी का जहाँ जन्म हुआ, भिंगा, रालेगन, औरंगाबाद घूमने के बाद मैं अन्ना जी के पास पहुँचा कि अन्ना जी मैं चाहता हूँ कि आपके ऊपर फिल्म बने। बहुत शौक हुआ ये जान के कि अन्ना जी नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई फिल्म बने। 2 ढाई महीने अन्ना जी के पीछे परसीव करने के बाद अन्ना जी ने 5 मिनट दिए मुझे और मुझसे कहने लगे कि कुछ डायरेक्टर्स इससे पहले भी आए थे, और मैंने उनसे यही कहा कि क्यों नहीं आप गांधी जी पे फिल्म बनाते हो या आप विवेकानंद जी पे फिल्म बनाते हो। मेरा जवाब था अन्ना जी कि आप जिन व्यक्तित्व का नाम ले रहे हैं ये हमारे लिए भगवान की तरह है, लेकिन मैं या मेरी पीढ़ी जब आपकी तरफ देखती है तो सोचती है कि ऐसी ऐसा क्या रास्ता आपने अपनाया है कि इतनी कम पढ़े लिखने होने के बाद इतने छोटे से गांव से निकल के आप देश के पटल पे इस तरह पहुंच गए कि आज आम आदमी सोचता है कि अन्ना जी देश का भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं, अन्ना जी अपने लगते हैं। ये जर्नी अगर सिनेमा पे आती है तो देश के जो काफी नौजवान हैं जो स्ट्रगल के दौरान शेक हो जाते हैं, मुझे लगता है ये फिल्म उनको इंस्पायर करेगी। अन्ना जी से मैंने ये भी कहा कि आप हमेशा कहते हैं कि आप नौजवानों को जगाने की कोशिश करते हैं, मैं फिल्म मेकर हूँ और मैं फिल्में बना सकता हूँ, तो फिल्मों का माध्यम से मैं आपका कार्य अगर लोगों तक पहुँचाऊँगा तो आपका ही कार्य मैं कर रहा हूँगा। मुझे लगता है अन्ना जी को ये बात अच्छी लगी और अन्ना जी ने उन पे फिल्म बनाने के लिए मुझे हाँ कही, उत्साहित हुआ। उसके बाद में और बेटर करने के लिए हमने 6-7 ड्राफ्ट्स बदले छोटी छोटी चीज़ों के साथ, और आज अन्ना फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। लोग ये कहते हैं कि फिल्म नहीं लगती, ऐसा लगता है अन्ना जी की रियल जर्नी है। और ये बात स्वयं जब अन्ना जी ने कही कि कई बार फिल्म देखते वक्त ऐसा महसूस होता है कि वहाँ तुम नहीं, मैं बैठा हूँ, और जो जर्नी तुमने दिखाई ऐसे लगता है कि मैं अपने फ्लैशबैक देख रहा हूँ। तो एज अ फिल्म मेकर, एज अ एक्टर, एज अ डायरेक्टर बड़ा सेटिस्फाइड लगता हूँ कि जिनके ऊपर फिल्म बनाया था उनको और जिनके लिए फिल्म बनाया था उन दोनों को फिल्म पसंद आ रही है। दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, एक तो सांबा जी का बनना राजा रंग, किस तरह मैनेज किया? पहले जब मैं फिल्मी मैगजीन्स में ये पढ़ता था कि नसीर भाई किसी फिल्म के लिए 2 साल 2.5 साल लेते हैं या आमिर खान साहब भी काफ़ी वक्त लेते हैं, तो मुझे लगता था कि मतलब 2.5 साल में आदमी क्या करता होगा। अन्ना जब मैं करने की शुरुआत की तो मुझे एहसास हुआ कि किसी भी कैरेक्टर को आपको जिंदा करने के लिए एक वक्त लगता है। अपना किरदार या अपना व्यक्तित्व भूल कर आप जब कोई दूसरा किरदार जीना चाहते हो तो आपको आपको उस किरदार में ढलने के लिए
अपने किरदार को छोड़ के उस किरदार को जीने के लिए वक्त लगता है, और वो वक्त सिर्फ टाइम का नहीं होता, क्योंकि कभी कभी वो किरदार इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी आपको, आप एज ए अभिनय नहीं जी सकते, आपको उस किरदार को जीना होता है, उसके लिए वक्त लगता है। तो आज जब अन्ना जी का किरदार लोगों को बिल्कुल अन्ना की तरह लगता है, तो मुझे लगता है कि रीज़न कि आजकल फिजिकल चेंजेस तो सभी एक्टर करने लगे हैं, हम बहुत रियलिस्टिक फेज में पहुंच गए जहां पे सारे एक्टर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मैंने भी एक 10-12 किलो वज़न बढ़ाया था पहले कम करके इस फिल्म के लिए, लेकिन वो जो अन्ना जी की सिंप्लिसिटी जीने के लिए, उस किरदार में जाने के लिए जो वक्त लगा और जो रिजल्ट आया, तो वो बड़ा इनकरेजिंग था। तो और साथ में अभी मेरी जो दूसरी फिल्म भी कंप्लीट हुई है संभाजी पे, जो लोग संभाजी, जिन्होंने वो रशिश देखे है संभाजी फिल्म के, जो लोग संभाजी महाराज को जानते हैं, शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे, बहुत महान व्यक्तित्व, तो वो लोग ऐसे ही कहते हैं कि इससे अच्छा संभाजी नहीं हो सकता, या बिल्कुल मैं संभाजी लगता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि संभाजी एक राजा, अन्ना हजारे एक फकीर, संभाजी थोड़े गुस्सैल, अन्ना जी थोड़े शांत, दोनों की किरदार में बहुत डिफरेंस है। कॉमन एक बात है कि दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के या जो प्रजा है उनके भले के लिए न्यौछावर कर दी। दोनों किरदार जब लोगों ने, अन्ना तो पब्लिक और सभी ने देख चुके हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिन्होंने ऋषिश में संभाजी देखा है वो ये कहते हैं कि बिल्कुल संभाजी लगता है। तो ये एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर काफ़ी सेटिस्फैक्शन देता है।